वॉ वंडर किड कंपटीशन, इसमें टोटल चार सेक्शन होते हैं, मेंटल मैप, लॉजिकल, जीके एंड स्पीड एंड राइट। ठीक है, इन चारों को आपको करने के लिए चार सेक्शंस कंपलसरी हैं। ऐसा कोई नहीं कि मैं सिर्फ एक ही करेंगे तो प्राइज मिल जाएगा या दो करेंगे, तो चार सेक्शन करने हैं। कॉमन क्वेश्चन पेपर होगा एक, एंड इसको रीड करने के लिए आपको मिलेंगे 5 मिनट्स, एंड इसको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे आपको 40 मिनट्स। ठीक है, और ये पहले 5 मिनट ही डिसाइड करेंगे कि अगला 40 मिनट आपका कैसा जाने वाला है। ठीक है, तो 5 मिनट का अगर आपने अच्छा यूज किया देन यू विल गेट अ गुड स्कोर, बट 5 मिनट्स का अगर यूज आपने अच्छा नहीं किया तो फिर स्कोर अच्छा नहीं हो सकता। ओके, नाउ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग इन द सेंस कि अगर आपने सही किया तो आपको मिलेंगे 2 मार्क्स, बट अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आपको मिलेंगे -1 मार्क्स। अगर आप लोगों ने इंटीजर वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है कि -1 का क्या मतलब, मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है ना। तो जो भी आंसर करिए सोच समझ के करिए, नहीं आता है तो तुक्का मत लगाइएगा, आप सिंपली उसे छोड़ सकते हैं, छोड़ देंगे कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं होगा, बट अगर आप उसे अटेंड करते हैं और गलत होता है तो -1 हो जाएगा। और यहाँ मिनिमम मार्क्स 0 नहीं होता है, यहाँ मिनिमम मार्क्स -120 है, बहुत सोच समझ के। ठीक है, अब आते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो स्पीड एंड राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए आपको डायरेक्टली डेली कोई बुक नहीं चाहिए, कोई अदर थिंग नहीं, सिंपली आपको स्पीड एंड राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। और उसके लिए आपको 1 मिनट 2 मिनट जो आपके लिए सुटेबल है, 2 मिनट करना चाहे 2 मिनट कर सकते हैं, 1 मिनट करना चाहे 1 मिनट कर सकते हैं। आपको मॉर्निंग में इन द नून एंड इन द इवनिंग, दिन में 3 बार जैसे दवा खाते हैं वैसे दिन में 3 बार आपको 1 1 मिनट या 2 2 मिनट की प्रैक्टिस करनी है स्पीड एंड राइटिंग की। और उसमें सिंपली लिखना क्या है वो ये देख लें, A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13 and 14, P, sorry, O, 15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, P22, W23, X24, Y25 and Z26। ऐसा मैंने इसलिए लिखने के लिए कहा है क्योंकि थोड़ा सा इसमें लॉजिकल चीजें हैं, आपको बता दूं मैं। A किस नंबर पे आता है, Z26। जैसे कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस इस पे बेस्ड होते हैं कि कोई वर्ड दे देगा उसका नंबरिंग दे देगा, आपको पता करना है कि दूसरे वर्ड का नंबरिंग क्या है, तो उसमें ये चीज बहुत हेल्प करती है। ठीक है, तो इसी की प्रैक्टिस आप दिन में 3 बार 1 1 मिनट का लगा सकते हैं, 2 2 मिनट का लगा सकते हैं। 1 मिनट में अगर इसको 2 बार आप लिख लेते हैं A1 से लेकर Z26 तक, दैट इज अ गुड स्पीड, एंड फिर आप राइटिंग पे थोड़ा फोकस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब मेंटल मैथ, लॉजिकल और जीके की प्रैक्टिस कैसे करें। मेंटल मैथ, लॉजिकल, जीके के लिए पहले आप साइट का नाम नोट कर लीजिए, दैट इज bobwonderkid.com, या फिर डायरेक्टली आप गूगल को क्रोम पे डाल सकते हैं bobwonderkid2023, सिंपल। ठीक है, दोनों से ही साइट ओपन हो जाएगी, वहां पर आपसे एनरोलमेंट आईडी पूछा जाएगा। तो एनरोलमेंट आईडी आप सेम फॉर ये अलग अलग है, और 7th क्लास अलग है, 8th क्लास के लिए अलग है। तो मैं 7th क्लास के लिए अलग लिख रहा हूँ एनरोलमेंट आईडी, एंड 8th क्लास के लिए अलग। ठीक है, और क्लास 7
आईडी इज 5 times 7 एंड पासवर्ड इज BOBWK23@7। ठीक है, एंड फॉर 8th क्लास आईडी इज 5 times 8 एंड पासवर्ड इज BOBWK23@8। ठीक है, बस जहां जहां 7 है वहां पर 8 कर दिया गया और कोई चेंजेस नहीं। फॉर क्लास 7 ये आईडी है एंड फॉर क्लास 8 ये आईडी। ठीक है, अब आते हैं कि प्रैक्टिस कैसे होगी। तो मैं डायरेक्टली क्रोम ओपन करके आपको दिखा रहा हूं कि क्रोम पे आप प्रैक्टिस कैसे करें। इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, बाद में मैं आपके चैट बॉक्स में भी ये आईडी पासवर्ड में डाल दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, फिलहाल हम गूगल क्रोम पे चलते हैं। गूगल क्रोम आपको जान पर आपको जाना है और वहां पर आपको सिंपली POBWonderkid.com एंटर करना है। देखिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो इनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड का ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इनरोलमेंट आईडी 5 times 7 पासवर्ड BOBWK23@7 एंटर करेंगे। सॉरी पासवर्ड लगता है गलत, BOBWK23@7 करेक्ट। ठीक है, दूसरा डायरेक्टली आप यहाँ लिख सकते हैं BOBWonderkid2023। तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, इसको क्लिक करेंगे तो एनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड वाले पेज पे पहुंच जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बार लॉग इन कर दिया तो बार बार वो लॉग इन कर दिया। सो मॉक पेपर यहाँ पर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी 2016 से अब तक के क्वेश्चन पेपर्स भी हैं। मॉक पेपर पे क्लिक करिए। सॉरी एनरोलमेंट आईडी फिर से मांग रहा है 5 times 7 पासवर्ड इज BOBWK23@7। अब यहाँ पर आई हैव आई प्लेस टू कंडक्ट माई सेल्फ विद हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड, इस पर क्लिक करिए, कंटिन्यू करिए। यहाँ पर रूल सारे आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, 40 ईच इन मेंटल मैथोलॉजिकल एंड जनरल नॉलेज। स्पीड टाइपिंग आपको नहीं करनी, पहले बता दूं आप ऑलरेडी स्पीड हैंडराइटिंग कर की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो स्पीड टाइपिंग की जरूरत नहीं है। स्पीड टाइपिंग फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट्स है। टोटल टाइम जो मिलेगा वो 40 मिनट्स मिलेगा। ऑनलाइन में ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है कि आपको रीड करने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि रीड आप नहीं कर सकते, तो ऑफलाइन में 5 मिनट्स रीड करने के लिए मिलता है। तो टोटल टाइम जो है वो 40 मिनट्स है। मार्किंग स्कीम, ईच करेक्ट आंसर 2 मार्क्स, ईच रॉन्ग आंसर -1 मार्क। यू कैन आंसर क्वेश्चन ऑफ एनी सेक्शन ऑफ योर चॉइस फर्स्ट, यू आर ऑल्सो अलाउड टू स्किप अ क्वेश्चन एंड कम बैक टू इट लेटर। आप किसी भी सेक्शन को पहले चूज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि आपका जो 45 मिनट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस 5 मिनट्स में सिर्फ जीके पढ़िए और जैसे ही टाइम है 40 मिनट का स्टार्ट हो सबसे पहले जीके करिए, फिर मेंटल मैथ अगर आपका स्ट्रांग है तो मेंटल मैथ, या स्पीड हैंडराइटिंग स्ट्रांग है तो स्पीड हैंडराइटिंग करिए। थर्ड पे मेंटल मैथ स्पीड हैंडराइटिंग जो बचा है वो करिए। फोर्थ पे लॉजिकल आएगा, फर्स्ट और फोर्थ फिक्स्ड है कि फर्स्ट पे जीके फोर्थ पे लॉजिकल, ये फिक्स्ड है। बाकी सेकंड थर्ड पोजिशन आप अपने स्ट्रांगेस्ट पॉइंट की वजह से आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा पहले करेंगे कौन सा बाद में करेंगे। ठीक है, राइटली हम स्टार्ट टेस्ट करते हैं। मॉर्निंग में 15 मिनट आपको सिर्फ मेंटल मैथ करना है। रफ कॉपी लीजिए, सॉल्व करिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सबसेक्शन यही आएगा, कोई एक्स्ट्रा परसेंटेज वगैरह ये सब नहीं आता है। तो आप सिंपली पेन पेपर लेकर के इसको सॉल्व कर सकते, सॉल्व करिए, करेक्ट आंसर पे क्लिक करिए एंड मूव टू द नेक्स्ट। एंड 15 मिनट प्रैक्टिस करने के बाद आप
सिंपली आपको कहीं से अलग से स्टॉपवॉच लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी टाइमर चल रहा है। जैसे ये 25 मिनट्स बचेगा उस टाइम आप इसको सीधा देखिए कि कितने क्वेश्चन आपने अटेंड किए और उसको नोट कर लीजिए। 30 जून को फिर जब करिएगा तब आप देखिएगा कितने क्वेश्चन आपके इंप्रूव हुए हैं। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आप सिर्फ मॉर्निंग में 15 मिनट करेंगे। फिर डायरेक्टली आपको लॉजिकल करना है दोपहर में। लॉजिकल 41 से स्टार्ट होगा, तो 41 पे क्लिक किया तो लॉजिकल आ गया। लॉजिकल में कुछ क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स से होंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन लॉजिक लॉजिक पे बेस्ड होंगे, समर मतलब मंथ डे 10 चीजों पे। ठीक है, तो मैथ्स में कैसे, मैथ्स में यूनिटरी मेथड से क्वेश्चंस आ सकते हैं लॉजिकल के, मैथ्स में परसेंटेज से क्वेश्चंस आ सकते हैं लॉजिकल में। ठीक है, उसकी आप प्रैक्टिस यहां से कर सकते। शाम को आप जनरल नॉलेज करेंगे, 81 से जनरल नॉलेज स्टार्ट है। अब 8, 7, 8 का जो जीके होता है वो थोड़ा टफ होता है, पहले बता दूं। तो इसके लिए आपको डेली 15 मिनट प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको कुछ टाइम और देना होगा, जिसमें आपको ये ढूंढना होगा कि जो आंसर आपने नहीं किए, जो नहीं आते हैं, उनका आंसर करेक्ट आंसर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, पंडित जसराज इज रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ, मुझे इसका आंसर नहीं पता है। सिंपली इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको गूगल क्रोम पे सर्च कर सकते हैं, मम्मी पापा या जो भी एल्डर्स आपके घर में उनसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर इसका आंसर मुझे नहीं मिल रहा है, प्लीज इसका आंसर बता, मैं इसको आपको बता। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस भी आप 15 मिनट ही करें डेली। अगर आपने 10 क्वेश्चन भी जनरल नॉलेज के और 10 क्वेश्चन लॉजिकल के न्यू लर्न किए, तो 30 जून तक बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने लर्न कर लिए। तो अभी पूरी समर वेकेशन 30 जून तक आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पे वर्क करना है, नॉलेज एंड इम्प्रूवमेंट। नॉलेज होगी तो मेंटल मैथ से लेकर के जनरल नॉलेज तक सब में ऑलरेडी आप इम्प्रूव कर जाएंगे, बट प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड हैंड राइटिंग में भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए, बिकॉज ये प्रैक्टिस सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके स्कूल के लिए भी हो रही है। आपका आपके स्कूल को इसमें रैंकिंग दी जाती है, तो इस बार कंपटीशन थोड़ा और ज्यादा टफ है, क्योंकि आजमगढ़ से कम बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और स्कूल ज्यादा है, और पूरे यूपी से या पूरे नेशनल लेवल पे बहुत सारे स्कूल हैं जिससे बहुत सारे ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो कंपटीशन टफ होने वाला है, क्योंकि पॉइंट अच्छे चीज देने हैं स्कूल को, तो आपको परफॉर्म अच्छा करना है। ठीक है ना, स्पीड टाइपिंग की आप कोई प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं इसको शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। नाउ इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट यू कैन आस्क विद मी। ठीक है,